हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारे पास टेक्नो का फ़ोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्नो यहाँ पे इसका जो KC2J इसका मॉडल है, मैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा, KC2J ये एक मॉडल है। और ये मेरे पास आया है स्टूडेंट का, बताया गया था कि ये किसी भी कारण, इन्होंने अनलॉकिंग के कारण या फिर जो भी कारण, इन्होंने डेड कर दिया है। तो मैंने जब इसको डायग्नोज किया फ्रेंड, तो ये फ़ोन पोर्ट बना रहा था। तो अगर कभी भी आप कभी अनलॉकिंग कर रहे हो और या फिर फ्लैशिंग कर रहे हो, अगर कोई एरर के आने के कारण अगर फ़ोन डेड हो जाता है या अनलॉकिंग के टाइम पे फ़ोन डेड हो जाता है, तो आपको सबसे पहले फ्लैश करना होता है या तो उसके बाद फिर रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ फ्रेंड। सबसे पहले मैं इस फ़ोन को करूँगा फ्लैश और फिर देखूँगा कि हमारा कोई एरर आता है कि क्या एरर आ रहा है। तो सारे को हम यहाँ पर लाइव करेंगे, अगर कोई एरर नहीं आया तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा फ्रेंड। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ोन डैड है अभी, जो कि हमारे स्टूडेंट ने बताया है कि ये हमने फॉर्मेटिंग या फिर अनलॉकिंग के टाइम पे ये डैड हुआ है। तो मैंने जब चेक किया तो ये पोर्ट बना रहा था। तो चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके सामने लाइव करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आपको क्या क्या यहाँ पे करना होता है सारी चीज़ें। तो मैं बता दूं, इसके लिए आपको फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे बता दूं और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, सब कुछ। तो फाइल और एक आपको इसके ड्राइवर को, इसको पोर्ट को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे आपको एक MCT टूल भी आपको चाहिए फ्रेंड्स। मैं जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ, अभी दिखा दूंगा, एक MCT टूल भी आपको चाहिए। ये वही फ़ोन है, मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो मैटर होता है, हमें उसे फ्लैश करना होता है। तो फ्लैश करने के लिए फ्रेंड्स, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, हमारी ये फाइल है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी फाइल है, स्कैटर फाइल आई हुई है। मीडियाटेक यहाँ पे CPU लगा हुआ है। तो फ्रेंड, किसी टेक्नीशियन ने, और इसमें जो एरर्स आते हैं, मैं आपको एरर्स को भी यहाँ पे क्लियर करूंगा कि आपका जो एरर आता है, एरर भी नहीं आएगा। तो चलिए हम टूल को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। इसके लिए हमें एक टूल चाहिए जो SP फ्लैश टूल है, और फिर एक MCT टूल चाहिए जिससे हम पोर्ट को बाईपास करते हैं, पोर्ट को स्टेबल करते हैं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये फाइनली, अभी ये लोड हो जाएगा क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार फाइनली फिर से करते हैं। तो मैं फिर से आपको लोड करके फाइल को दिखाऊंगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे ये डिवाइस मैनेजर होता है, डिवाइस मैनेजर को भी आपको साइड में खोल के रख लेना है। इससे ये पता चलेगा कि हमारा पोर्ट स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको एक टूल चाहिए, ये देखिए MCT का बाईपास टूल चाहिए। तो आपको यहाँ पे कर देना है, बाईपास पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फ़ोन को अप और डाउन करके कनेक्ट करना है। तो ये मैं फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड। चलिए, तो मैं ये एक बार, आप हमेशा जब कभी भी पोर्ट को, फ्रेश पोर्ट को रखें, तो मैं यहाँ पे इसको बैटरी लगा लेता हूँ। और वापस से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ फ्रेंड, ये देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन दबाया और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा फ़ोन को। तो वैल्यूम अप डाउन मैंने दबाया यहाँ पे, तो फ्रेंड अब फ़ोन को हम कनेक्ट करेंगे। आप एक बार नहीं कनेक्ट होता है तो दो बार ट्राई कर सकते हो। अब फ़ोन को दो बार ट्राई कर लो तो फाइनली आपका ये कनेक्ट हो जाएगा जहाँ तक है। तो ये मैंने फिर से प्रोसेस कर दिया है, नहीं होता है एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाईपास पे क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन दबाया, अब फोन को ये कनेक्ट करेंगे। तो गाइज, ये देख सकते हैं पोर्ट हमारा स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे पोर्ट को मैंने स्टेबल कर दिया है, ये देख सकते हैं। सक्सेसफुल अगर ना हो तो वापस से आपको कनेक्ट करना है दो बार। एक बार कनेक्ट ना हो तो बैटरी को निकालिए, वापस से लगाइए और फोन को कनेक्ट करिए। अब मैं आपको एरर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो इसके एरर्स आते हैं, मैं आपको इसके एरर के बारे में बता दूँ आपको फ्रेंड। तो जो इसके एरर्स आते हैं, मैं आपको बता दूँ, आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं TKV, ये TKV को आपको अनटिक कर देना है फ्रेंड। ये TKV को आप अनटिक कर देंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। तो मैंने शुरू में बोला था फ्रेंड कि वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा, मैं कोई भी स्किप नहीं करूंगा। ये हमारा लोड हो चुका है, मैं वापस एक बार फाइल को दोबारा दूंगा कि जिससे फाइल हमारी रिफ्रेश हो जाए। तो मैं यहाँ पे फाइल को दोबारा दे देता हूँ, जिससे कि फाइल अगर छूट गई होगी तो फाइल को हम दोबारा देंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे TKV को अनटिक कर देना है। तो जो आपके एरर्स आते हैं, वो आपके एरर्स नहीं आएंगे फ्रेंड, और 100% ये सक्सेसफुल फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हमें सिंपल क्या करना है, फोन को हमने कनेक्ट कर दिया है और सिंपल और सिंपल आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। तो ये देखिए आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए हमारा ये डाउनलोडिंग प्रोसेस होना चालू हो गया। मैं ऐसे लाइव आपके सामने दिखाऊंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये लाइव फ्लैशिंग, मतलब कोई भी एरर, कोई भी वीडियो मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ,
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मैं आपके सामने ये लाइव भी कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड सारी चीजें। और ये जो फोन है ये किसी टेक्नीशियन ने मतलब हमारे स्टूडेंट ने इसको अनलॉकिंग करने की कोशिश की थी। अनलॉकिंग के टाइम पे कमांड के थ्रू इसको डैड कर दिया था। तो डैड कर दिया था, तो मैंने जब चेक किया तो ये फोन पोर्ट बना रहा था फ्रेंड। तो मैंने जब पोर्ट बना रहा था तो मैंने इसकी फाइल डाउनलोड की, मैंने सोचा आपके सामने एक लाइव फ्लैशिंग दिखा दिया जाए। इसमें जो एरर आता था, एरर का मैंने आपको दिखा दिया है कि एरर अगर आप TKB फाइल को अनटिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एरर भी नहीं आएगा, जो कि मैं आपको सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो वीडियो को आप लास्ट एंड तक देख लीजिएगा फ्रेंड। बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो अभी बस जस्ट सेकेंड ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको ये फोन हमारा साइड में लगा हुआ है, कनेक्ट है फोन। तो आई होप मेरी जो वीडियोज हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अगर ये कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें काफी हेल्प मिलेगा आपसे भी, और हम भी आपको इतना कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा उतना हम आपकी हेल्प करेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए सिस्टम की फाइल अभी राइट हो रही है, पोर्ट हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में, पोर्ट हमारा यहाँ पे स्टेबल है। अगर आप MCT2 यूज नहीं करेंगे तो आप फ्लैश नहीं कर पाएंगे फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप MCT2 यूज नहीं करेंगे तो आप फ्लैश नहीं कर पाओगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100% जॉब डन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो SET का एरर आया हुआ है यहाँ पे, पर ये एरर नॉमिनल है, ये आपका नहीं आएगा फ्रेंड, आपका फोन चालू हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं। तो अब मैं इसे क्या करना है, देखिए ये फोन है, मैं आपके सामने ये लाइव कर रहा हूँ। अब मैं इसकी क्या करूंगा, एक बार बैटरी ये ओके कर दीजिए आप, कोई भी एरर नहीं है फ्रेंड आपका। फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ ये जो एरर आया लास्ट में, ये आपका फोन ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। और इसकी बैटरी को एक बार आप निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप ऑन कीजिए। ये मैंने बैटरी को लगा दिया है, मैं बैक पैनल लगा देता हूँ। बैक पैनल लगाने के बाद मैं इसको पावर की को प्रेस करता हूँ। तो ये पावर की मैंने प्रेस किया फ्रेंड, ये देख सकते हैं फाइनली। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर आप अनलॉकिंग कर रहे हो और अनलॉकिंग के टाइम में अगर आपका फोन डेड हो जाता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि मैं आपके सामने मैंने ये लाइव किया हुआ है। ये फोन आप ये सोचोगे कि क्या है कैसा है, तो इसको आप फ्लैशिंग भी ले सकते हो। इस वाले मॉडल को जैसे आप देख सकते हैं KC2, ये वही वाला मॉडल है जैसा कि आपको मैंने शुरू में दिखाया हुआ था, ये देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं फाइनली हमारा फोन ये ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं ये फोन हमारा ऑन हो गया है। तो अब इसे मैं ये भी चेक करा देता हूँ कि फ्लैशिंग के कारण लोग बोलते हैं हमारे IMEI चली जाती है, तो मैं यहाँ पे आपको IMEI भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि IMEI इसकी है कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड इसकी IMEI भी है, अगर आपको दूर से दिख रहा होगा तो सेफ फ्लैशिंग से हुआ है। ये फोन डेड था, डेड ऑन हो चुका है फ्लैश। अगर ये डेड आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है आप इसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमने यहाँ पे आपको दिखाया लाइव कि अगर आप फोन पोर्ट बना रहा है तो एक बार आपको फ्लैश करना है, नहीं हुआ फ्लैश तो आपको इसको रीप्रोग्रामिंग करते तो ये फोन ऑन हो जाता फ्रेंड। तो आपने लास्ट दिन तक देखा तो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर और भी अपने कंटेंट को सुधारने की कोशिश करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।